वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक एंड्रॉयड में रिलेटिव लेआउट का एग्जाम्पल बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि रिलेटिव लेआउट क्या होते हैं और वे कैसे उसमें हम लोग आइटम पोजिशन करते हैं, और ये सारे उसके एट्रीब्यूट हम लोग जाने थे। अलाइन पैरेंट क्या होता है, बॉटम क्या होता है, सेंटर पैरेंट क्या होता है, ये सब जितने भी हमारे एट्रीब्यूट हैं वो सबको हमने उस पर टेस्ट आउट किया था और सबको चेक किया था कौन सा कैसे यूज़ होता है। और आज उसका हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आज के एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोफाइल पेज तैयार करेंगे एक यूज़र का, जिसमें उसकी फ़ोटो रहेगी, उसका यूज़र नेम रहेगा, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगी, और नीचे जो है कुछ एडिट के बटन रहेंगे या फिर नेक्स्ट का बटन रहेगा, नेक्स्ट और प्रीवियस। उसमें आप कई सारे प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं लोगों के, और कई सारे के एल्बम टाइप का आपका हो जाएगा। तो आज हम लोग रिलेटिव लेआउट से वही बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। तो जब आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आप इसी पेज पर आएंगे, आपको ये सब खुल के मिलेगा और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे दिखता रहेगा। इस पेज पर जब आप आ जाएँ तो आप जाइए अपने मेन एक्टिविटी डॉट एक्स एम एल पे, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। इसको कर देते हैं हम लोग साइड में, और यहाँ पे हमारा ये रिलेटिव लेआउट हमने ले रखा है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट है तो आप वहाँ पे इसको चेंज करके रिलेटिव कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग रिलेटिव पढ़ने वाले हैं तो रिलेटिव हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका डिज़ाइन व्यू आ गया है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो है सबसे पहले एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज ठीक है, सबसे ऊपर हमारी, या एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ है ये। इसको मैच परेंट कर देते हैं, इसको इसको रैप कंटेंट करेंगे, इसको मैच परेंट नहीं करेंगे, हाइट मैच परेंट और ये रैप कंटेंट ठीक है। और उसके ऊपर सबसे पहले लाइन पे आईडी लिखेंगे, आईडी ये टीवी हमारी हेडलाइन है, हेडलाइन कर देंगे इसको ठीक है। और यहाँ से इसको इसके अंदर जो है ग्रेविटी इसकी सेट कर देंगे, ग्रेविटी ग्रेविटी लो भैया, जी आर ए ग्रेविटी आ गई, इसको कर देंगे सेंटर। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख देंगे यूज़र प्रोफाइल ठीक है, यूज़र प्रोफाइल इतना लिख देंगे। और टेक्स्ट को थोड़ा सजा देते हैं, टेक्स्ट को हम लोग करेंगे इसको, टेक्स्ट में क्या क्या इसके ऑप्शन आते हैं, साइज़ पहले सही करते हैं, इसका साइज़ ले लेते हैं 30 SP का बड़ा सा। कलर चेंज कर देते हैं, कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं, स्टाइल इसका स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल जो है बोल्ड। ये इतना बड़ा सा हमारा यूज़र प्रोफाइल आ गया। अगर आप मार्जिन देना चाहें तो आप यहाँ नीचे मार्जिन भी दे सकते हैं, हाँ मार्जिन टॉप दे दीजिए 10 DP का ठीक है, थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब इसके नीचे हम लोग एक इमेज व्यू लेंगे ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज व्यू चूज़ करते हैं, इमेज लिखेंगे आप तो इमेज व्यू मिल जाएगा, इमेज व्यू लेते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं मैच पैरेंट, इसको करते हैं 250 DP का, इसको कर देते हैं 250 DP का रहेगा। और इसकी भी आईडी दे देते हैं, आईडी हम रिलेटिव लेआउट में अगर सबकी देनी रहती है, क्योंकि अगर हमें किसी के नीचे कुछ अरेंज करना है तो उसकी आईडी होनी चाहिए, या किसी के रिलेटिव में कुछ डालना है तो उसकी आईडी रहनी चाहिए। तो इसकी आईडी रहेगी हमारी IMG प्रोफाइल एक ठीक है, पिक का ये पी बड़ा कर देते हैं प्रोफाइल पिक। और इसमें इसका SRC दे देते हैं, SRC हमारा रहेगा ड्राइवर में, हमारे पास ये है प्रोफाइल कलर आ गया, ये कलर नहीं ड्राइवर, ये माय प्रोफाइल पिक से हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज हमारे पास आ गई ठीक है। अब ये हमारे वो टेक्स्ट व्यू पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको नीचे करेंगे हम लोग, नीचे करने के लिए इसको करेंगे बिलो लेआउट, बिलो हमारे पास आ जाएगा, आईडी देंगे और अपनी टेक्स्ट वाली का आईडी दे देंगे टीवी हेडलाइन। अब ये हमारे उसके नीचे आ गया ठीक है, और इसको जो है सेंटर वो कर देते हैं,
स्केल टाइप इसका जो है, स्केल टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, सेंटर क्रॉप, तो ये फोटो ठीक हो जाएगी ऐसे, पता कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है ठीक है, यहाँ से नीचे आते हैं और मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप NDP की, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और इसको बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया कि ऊपर एक टेक्स्ट भी हो गया, नीचे इसके जो है हमारे यूज़र की पिक्चर आ गई। अब उसके नीचे एक टेक्स्ट भी देते हैं डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट भी लिया और इसकी मैच प्रिंट कर दिया, इसको रैप कंटेंट कर दिया और इसकी आईडी दे दी, आईडी के रिवी और PESC डिस्क्रिप्शन, और इसको जो है नीचे किया इस और इसके नीचे करेंगे हम लोग इमेज के नीचे, इसकी आईडी देंगे आईडी IMG प्रोफाइल पिक, ठीक है। ये टेक्स्ट भी उसके नीचे आ गया। अब इसमें टेक्स्ट देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी इसकी सही। टेक्स्ट को आप जो है पहले टेक्स्ट लिख लीजिए, फिर दिखाते हैं आप कैसे कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इनका नेम लिख देते हैं, यूज़र, मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ, आप अपनी जगह इसका यूज़र का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर फिलहाल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें आप ग्रेविटी देके भी इसको सेंटर कर सकते हैं, अगर ग्रेविटी देके सेंटर करते हैं तो भी ये यूज़र नेम सेंटर में आ जाएगा। और आप यहाँ पे अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट होता है, टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये देखिए आ रहा है, इसको लेंगे और तब भी आप करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है एक यूज़र का प्रोफाइल तैयार हो गया। अब इसके नीचे यूज़र का नेम हो गया, अब यहाँ पे यूज़र नेम इसको बोल देते हैं टीवी नेम, ठीक है, और इसको भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 dpi हर जगह चल रहा उतना ही देते हैं। उसके बाद इसको बंद कर लेते हैं और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देते हैं, एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे, इसके बारे में इसमें कुछ लिख देंगे, टेक्स्ट व्यू विद को यही करते हैं मैच पेरेंट और हाइट को रैप कंटेंट, आईडी में डिस्क्रिप्शन अब देते हैं इसका, आईडी डिस्क्रिप्शन PESC, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन जो है दे देते हैं बिलो, लेआउट बिलो आईडी, जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू वाली आईडी है ना टीवी नेम के नीचे आ गई है, नेम के नीचे आ गया। और इसमें जो है टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं, हाँ मान लीजिए ये एंड्रॉयड डेवलपर ही है, एंड्रॉयड DEVELOPER पर ABC कंपनी, ठीक है। तो ये इसका आ गया। अब इसको हम लोग वो कर देते हैं, टेक्स्ट साइज सही कर देते हैं, टेक्स्ट कलर ब्लैक ले लेते हैं, टेक्स्ट साइज कर देते हैं सही इसका साइज, हाँ टेक्स्ट साइज आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट साइज 16 15 dpi कर देते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 15 dpi के बाद इसको सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी इसकी ग्रेविटी सेंटर, तो बीच में आ गया, ठीक है। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन भी हो गया,
अब आप इनका एक बायो तैयार करना चाहें तो बायो भी दे दें। बायो में जो है आप जो है बायो में हम लोग क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं पहले, ठीक है। अरे यार टेक्स्ट व्यू, इसको व्यू करते हैं मैच पेरेंट, और इसको करते हैं रैप कंटेंट, और इसकी आईडी देते हैं टीवी बायो, BOI नहीं बायो रहेगा। बायो में इनका हम लोग कुछ लिख देते हैं, इनको पहले नीचे लाते हैं बिलो लेआउट, बिलो इसको करेंगे, बिलो लिखेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा। आईडी लेंगे, आईडी के बाद हमारा ये क्या नाम था, डिस्क्रिप्शन था ना, टीवी डी, अच्छा सिर्फ डिस्क्रिप्शन है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग टीवी ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, DESC डिस्क्रिप्शन, और यहाँ जाके चेंज कर लेंगे इसको टीवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और इसका टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं हम लोग इसमें टेक्स्ट। साइज इसको हम लोग कर देते हैं, इसको भी 16 DPI रखते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं FATHER FATHER फादर नेम, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, फादर नेम कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोलन लगाइए और इनके फादर का नाम लिख दीजिए, समझ लीजिए जॉन लिख देता हूँ मैं, JOHN जॉन है इनके फादर का नाम। प्लस N लगाते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसमें लिखते हैं एज, इनकी एज कोलन लगाते हैं, और इसको लिख देते हैं 35, और फिर एक हम लोग स्लैश एन लगाते हैं, नीचे आते हैं और इसमें लिखते हैं स्लैश एन के बाद इसमें हम लोग लिखेंगे नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर लिख देते हैं जेंडर कोना लगाकर, मेल, ठीक है। और उसके बाद ये बंद करते हैं, ये इनका एक बायो भी हो गया, और इसके नीचे हम लोग जो है इसको बंद कर लेते हैं। ऐसे आप और भी इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं बायो में, जो जो भी आप ऐड करना चाहें, मैरिड है अनमैरिड है, और इसको थोड़ा हम लोग सजा देते हैं, सजाने का हम अभी करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है एक बटन लगाते हैं BU बटन, और इसको देते हैं रैप कंटेंट, रैप कंटेंट इसकी आईडी देते हैं, आईडी BTN प्रीवियस एक प्रीवियस बटन रहेगा हमारे पास, इसको बिलो ले आते हैं, बिलो आईडी क्या नाम है इसका, टीवी बायो के नीचे टीवी है, इसमें टेक्स्ट दे देते हैं प्रीवियस लिख देते हैं प्रीवियस, और फिर जो है
उसके बाद इतना हो गया अभी इसमें, और हम लोग कर लेंगे, सजा लेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, एक और बटन लगाते हैं, दो बटन आ गए, इसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया, और इसको बिलो तो इसके रहेगा, और लेफ्ट करेंगे, नहीं राइट में भेजना है तो राइट करेंगे, RIGHT, लेआउट टू द राइट ऑफ आईडी BTN प्रीवियस और इसकी आईडी चेंज करते हैं, इसकी आईडी रहेगी नेक्स्ट। तो ये हमारे दो बटन हो गए, ये इसको इसके बगल में ना करके इसको हम लोग, अगर हम लोग पूरा वहीं कर दें, अलाइन पैरेंट राइट को ट्रू कर देते हैं तो उस साइड चला जाएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, इस तरह आप पोजीशन दे सकते हैं, अगर आप इसके बगल में रखना चाहते हैं तो इसकी आईडी देंगे, अगर राइट में रखना चाहते हैं तो इसकी आईडी देंगे, ये दोनों अपनी जगह सेट हो गए। तो ये हमारा एक प्रोफाइल पिक तैयार हो गया। प्रोफाइल और भी आप उसमें एलिमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और लंबा कर सकते हैं। अब अगर हमें इसे सजाना होगा तो हम लोग इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले लेआउट को कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं, कलर यहाँ से उठाएंगे हम लोग इसको, और कस्टम में जाएंगे और यहाँ से इस तरह का कोई कलर लेते हैं, ये इसको लेके देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये हो गया। और उसके बाद जो है ये इसको, इस वाले इसको हम लोग पकड़ेंगे, एंड्रॉयड डेवलपर इन कंपनी, पहले इसके ऊपर वाले को बोल्ड में हो गया, इसका कलर ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेक कर देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड पेंट ब्लैक ना होके इसको हम लोग करते हैं, कस्टम में जाते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला कलर वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड सिर्फ रखते हैं तो पकड़ेगा जी। तो ये बैकग्राउंड से ये टेक्स्ट कलर हमारा बैकग्राउंड उसका ब्लू हो गया और वो वाइट में हो गया। साइज आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, साइज क्या दे रखी है हमने, इसमें साइज नहीं दे रखे हैं ना, टेक्स्ट कलर के बाद बोल्ड के बाद साइज दे दीजिए यहाँ पे, SP। ठीक है, तो बड़ा दिखने लगा। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन सही करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मार्जिन देते हैं, सबसे पहले मार्जिन टॉप 16 dpg नीचे आ गया, 16 ज़्यादा हो जा रहा है, इसको 10 दे देते हैं, 10 dpg मार्जिन रहेगी। इसका साइज वगैरह बढ़ा लेते हैं, साइज आप बढ़ा लीजिए, साइज आप लिखेंगे साइज आ जाएगा, एक्स साइज नहीं आ रहा है, एस साइज गड़बड़ है, एक्स साइज कहीं दे रखा है यहाँ पे है ना, इसको बढ़ा लीजिए, इसको 18 dp कर दीजिए, 18 SP कर दीजिए, तो ये सही आ जाएगा। तो इसको भी अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो कर दीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड डालिए, बैकग्राउंड कोई भी एक ले लीजिए, उसके बाद जो है ब्लैक करके उसमें पहुंच जाइए, कस्टम में जाइए, इसको हम लोग इस कलर का करके देखते हैं। ठीक है, इस कलर का ठीक लग रहा है,
इस तरह आप उसको कलर देते जाइए और सही करते जाइए। फिर उसके बाद हमारा ये वाला डिस्क्रिप्शन है, इसको भी बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं। फिर नेक्स्ट और प्रीवियस है, मार्जिन आप अगल बगल दे दीजिए इन लोग को। अगर हम लोग यहाँ मार्जिन कौन सा पहला वाला है, तो मार्जिन स्टार्ट 16 dpi का दे दीजिए, थोड़ा इधर आ जाएगा। और इसको दे देते हैं मार्जिन एंड 16 dpi का, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। तो यही अरेंजमेंट ही करना था, बाकी आप इसमें एंडलेस प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहें तो कितना भी चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं हम लोग अपना वीडियो। ये कहाँ गया, इसका बायो कहाँ गया, ये है, इसको करते हैं मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप से देते हैं पहले, ये मार्जिन टॉप, टॉप क्यों नहीं चूज हो रहा भाई, MAR मार्जिन टॉप 10 dpi की मार्जिन, इसको भी ठीक है। टेक्स्ट साइज इतना है, टेक्स्ट टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। स्टाइल बोल्ड कर लीजिए, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और टेक्स्ट अलाइनमेंट ALI ऐसे नहीं आ रहा, टेक्स्ट लिखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये सेंटर में इनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दो बटन हो गए, इसका बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कोई भी ले लीजिए, उसके बाद उसको चेंज कर लीजिए। यहाँ आइए और इसका रेड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। रेड नहीं अच्छा, तो इसको पूरा रेड करते हैं ना, तो इस तरह करते हैं, ये सही लग रहा। और टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं, ये तो ये अब सही दिखाई देने लगा। अब उसी तरह हम लोग ये बटन का भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोफाइल पिक तैयार हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, रन होने पर कैसा लगता है, ठीक है। ये हमारा इमुलेटर स्टार्ट हो गया है, उस पर रन करने की तैयारी है। तो यहाँ रिलेटिव लेआउट में बस हमें बहुत कुछ नहीं करना रहता, बस पोजीशन उसकी देते जाइए, बाकी सजाने का काम तो आप अपना डिजाइनिंग जो भी जैसा चाहें, जो कलर चाहें, जितना बड़ा फॉन्ट चाहें, जो फॉन्ट चाहें वो आप सेट करते जा सकते हैं। मुझे बेसिकली इसमें यही बताना था कि आपको कैसे एक दूसरे के नीचे लाना है, कैसे अगल बगल जाना है, तो बस आपको यहाँ पर वो देते जाना है कि कहाँ पर रखना है। ये वाला एट्रीब्यूट लेआउट बिलो रखना, अगर एक के नीचे एक रखना है तो लेआउट बिलो इस्तेमाल करिए। अगल बगल जैसे बटन वगैरह रखने हैं तो लेफ्ट राइट यूज़ कर सकते हैं, और अगर जो है एंड में और यहाँ कहीं रखना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉटम में भी आप लेआउट बॉटम में भी कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी कोई चीज़ आ जाएगी। अगर आप कोई टेक्स्ट रखना चाहें या कुछ रखना चाहें तो वो आ जाएगा। और ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है और ये रन होने जा रहा है, देखते हैं कैसा दिखाई देता है स्क्रीन पर। जल्दी से चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा, दिखाई नहीं दे रहा, आ गया। तो ये हमारा एक जो है एक प्रोफाइल पिक्चर तैयार हो गई। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए, फिर एक इमेज लगा लीजिए, फिर यूज़र का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका बायो तैयार करिए, और इस तरह आप कई स्क्रीन तैयार करिए, नेक्स्ट करते जाइए, और उस पर जो है अलग अलग यूज़र्स की स्क्रीन आती जाइए, पूरा एल्बम आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह आपका एक बेसिक ऐप तैयार हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और चलते हैं अगले वीडियो पे, अगर उसमें हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे एंड्रॉयड के।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।